हरी हरी ओम। इल्म ज्योतिष लाल किताब में दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इल्म ज्योतिष लाल किताब पंडित रूपचंद जोशी जी जो हमारे गुरु हैं उन्होंने सन 1952 में लिखी थी। ये जो लाल किताब है इसमें जो हिंदुस्तान के पुराने से पुराने उपाय हैं उनको समझा करके पंडित जी ने एक सूत्र में प्रो दिया है। जो हमारे पूर्वज उपाय करते थे, तीज त्योहारों पर उपाय करते थे, यानी कि जो पूजा पाठ विधि विधान होते थे या मंदिर बनते थे, हमारे घर में जो मकान बनते थे, वो सब वास्तु से और एक किसी रीति रिवाज यानी कि ग्रहों के अनुसार बनाए जाते थे। आज मैं दोस्तों आपको तीन सूत्र, एक ऐसे तीन सूत्र देने जा रहा हूँ, आप इस दिवाली पर उसको कर लीजिए घर में, आपको धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी, धन हमेशा बढ़ता रहेगा। पहला सूत्र जो देने जा रहा हूँ, इस दिवाली पर जब आप पूजन करें तो चावल लेकर के आएं, सफ़ेद नए चावल हो सकते हैं, पुराने चावल हो सकते हैं, मगर चावल कच्चा हो यानी कि बॉयल करा हुआ ना हो, कच्ची बासमती हो, साबुत हो, उस पर थोड़ी रोली लगाएंगे आप, रोली लगा करके उसको पूजन करेंगे, उसको घर में पूजा स्थान में स्थापित करें। पूजा स्थान आपने ईशान कोण में बनाना है। दूसरा उपाय, आप चांदी लेकर के आएँ, सिक्के के रूप में, ईंट के रूप में, ठोस के रूप में, जैसे भी लेकर के आएँ, उस पर केसर या रोली से लेप करें, लेप करके उसको अपने धन भाव में रखें। आपके घर में धन खर्च होता रहता है, जितना भी धन आता है वो खर्च हो जाता है, उसका कारण क्या है, जो आपकी अलमारी है, कबर्ड है, जिसमें धन भाव रखते हैं उसके ऊपर ही आप कुछ सामान रख देते हैं। सामान रखने से होता क्या है कि जो वेस्ट सामान है आप अलमारी के ऊपर रख देते हैं, उसके अंदर से जो निगेटिव ऊर्जा बनती है वो राहु की ऊर्जा बनती है और जो धन भाव में उसको ग्रहण लगाने लगता है। आप जिस भी अलमारी के ऊपर रखें, धन भाव के ऊपर कोई भी गलत सामान नहीं होना चाहिए, वेस्ट सामान नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं होना चाहिए। तीसरा, आप अपने मकान के पश्चिम कोने में पहुंच जाइए, वो भी दक्षिण से लगे हुए कोने में, वहां पर चावल की स्थापना करें या जल की स्थापना करें, कभी भी आपकी डेली इनकम में दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों ये थे लाल किताब के कुछ ऐसे सूत्र जिनको आप घर में जरूर करें। यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो समय समय पर सन 1952 लाल किताब के जो सूत्र हैं उनसे आपको अवगत किया जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। वंदे मातरम, जय हिंद।